नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ही देखिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले इसकी कटिंग अस्तर पर कर लेना है। तो देखिए, जो ब्लाउज बनाएंगे वो 36 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है और इसकी तैयार लंबाई 13.5 इंच है। तो उस हिसाब से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो देखिए, इसकी तैयार लंबाई 13.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। तो देखिए, जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए 0.5 इंच ज़्यादा लेना है। तो देखिए, इसकी पूरी लंबाई हम 15 इंच लेंगे, तो यहाँ पर 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। शोल्डर इसका 5 इंच, 5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे। तो देखिए, जो डिजाइन है वो डीप नेक गले पर है। आर्म होल 6 इंच 2 पॉइंट, और देखिए इसे 2 इंच से 2 पॉइंट इसकी जो गोलाई देंगे तो 2 इंच से 2 पॉइंट कम होगी। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेना है 2.5 इंच। और देखिए, इसकी गहराई हम लेंगे 12 इंच। देखिए, 0.5 इंच ये जो डिजाइन इसमें बनाएंगे उसमें चला जाएगा, तो यहाँ पर इसकी गहराई 11.5 इंच ही होगी। देखिए, और जो पूरी तैयार ब्लाउज बनाने के बाद आएगी तो 11.5 इंच आएगी। यहाँ से देखिए, 0.5 इंच आर्म होल की तरफ, 0.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, लगभग 1 इंच के करीब ही है। और इस तरह आर्म होल की तरफ सीधा निशान बनाना है और इस तरह से गले। अब देखिए, इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट है इस कपड़े पर निकाल लेना है। तो पहले इस कपड़े पर इसका अस्तर भी बदलना है। देखिए, पहले इसे अस्तर पे निकाल लेंगे। अब देखिए, इसको इस कपड़े पर रखकर निकाल लेना है। तो देखिए, जो ये नीचे वाला पार्ट था उसे इस कपड़े पर अच्छे से मिलाते हुए कट कर लिया है। तो देखिए, पहले नीचे वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देना है। देखिए, गले पर कट लगा देना है। तो देखिए, इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद देखिए, सिलाई लगा देंगे। इस तरह पलटेंगे और पलटने के बाद इस पर सिलाई लगा देना है। अब देखिए, जो ऊपर का पार्ट है उसे कट करना है, सिलाई लगाना है। तो इस तरह देखिए, इस पर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे गले की साइड में। अब देखिए, इस तरह पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे और साइड में भी लगा देंगे। इसी तरह देखिए, दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह देखिए, दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। अब इसको सेट कर देना है। अब तो देखिए, नीचे का पार्ट देना है और इस तरह से इसको मिलाते हुए सेट कर देना है। अब देखिए, लगभग 1.5 इंच चौड़ी सीधी पट्टी कट करके लेंगे और इस तरह मोड़ते हुए इस पर सिलाइयां लगाना है और उसको पलट कर तैयार कर लें। इस तरह देखिए, इसको पलट लिया है। अब लगभग 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही, 1 इंच 2 पॉइंट की इस तरह से कट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने सीधी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए इसे सीधे कपड़े पर तैयार की है, और जो ये वाली पट्टी ली है तो इसे औरेवी कपड़े पर बना कर ली है। इसको गले पर स्टिच करना है, तो इसलिए इसको औरेवी कपड़े पर बना लेना है। तो देखिए हमने पट्टियाँ बना ली है, सिलाई लगाकर जितनी चौड़ी पट्टी लेना है उसी हिसाब से कट करके सिलाई लगाकर इसको पलट कर तैयार कर लिया है। अब देखिए सीधी वाली पट्टी लेंगे और इस तरह से इसको कट कर लेना है। अब देखिए जो ये पट्टियाँ ली हैं तो इस तरह इस पर स्टिच करना है। तो देखिए लगभग 2 पॉइंट का गैप देते हुए ही सेट करना है। तो देखिए इसी तरह से दूसरी पट्टी पर भी जो ये पट्टियां पटकी है इसे सेट कर लेना है। तो इस तरह देखिए दूसरी पट्टी पर भी डिजाइन बना लिया है। अब इसको सेट करना है, तो इस तरह देखिए इसको सेट कर देना है। तो देखिए जो दूसरी पट्टी ली है तो दूसरी साइड भी इसी तरह से इसको भी सेट कर देना है। तो इस तरह देखिए दूसरी साइड भी इसे सेट कर दिया है। तो देखिए जो ये पट्टी ली थी तो इसे सीधे कपड़े पर ली थी। अब देखिए जो हमने और भी कपड़े पर पट्टी बनाई है इस तरह से इसको लगाना है। तो देखिए 2 पॉइंट छोड़ते हुए ही इसे अच्छे से पूरे गले पर सेट कर देना है। तो इस तरह देखिए पट्टियाँ लगा दी है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हम रोज बना कर लेंगे छोटा सा। तो देखिए इसको हमने कैसे बनाना है वो बताया था, तो वो हमने लटकन पर बताया था। तो इसी तरह से आप इसे बिना लटकन पर डिजाइन कुर्ती या ब्लाउज डिजाइन करने के लिए, कोई भी ड्रेस डिजाइन करने के लिए आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर इस तरह से लगाने के लिए बनाया है। तो देखिए इस तरह से लगा देंगे। इस तरह देखिए एक सिलाई यहाँ पर लगाई है, तो एक ही जगह पर लगाई है ताकि सिलाइयाँ बाहर ना समझ में आए। अब देखिए जो अंदर वाले कपड़े से इस तरह पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरह देखिए इसे अच्छे से लगा दिया है। तो देखिए गला डीप है, तो इस पर इस तरह से डोरियाँ लेंगे और डोरी लगा देंगे। तो इस तरह देखिए इस पर डोरी लगा दी है। तो देखिए डिजाइन बन गया है, तो बहुत ही आसान डिजाइन है और इसका लुक भी अच्छा है। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।